गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका अपना यूट्यूब क्लास मैकेनिकल लवर्स में स्वागत है। जैसा कि आपका अभी पाठ चल रहा था मशीनिंग के ऊपर, जिसमें हम आपको दो पार्ट बता चुके हैं, एक मिलिंग मशीन का ऑपरेशन बता चुके हैं, दूसरा सेपर मशीन का। नाउ आज बात करते हैं लेथ मशीन का, तीसरा लेथ मशीन। जैसा कि आप लोगों को पता है लेथ मशीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। क्यों? इंजीनियरिंग अगर आप लोग कर रहे हैं तो लेथ मशीन के बारे में जरूर से जरूर सुना होगा, क्योंकि एक मैकेनिकल इंजीनियर बिना लेथ को जाने इंजीनियर नहीं कहला सकता है। लेथ मशीन सबसे बेसिक मशीन होता है। चलिए अब टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, आज से स्टार्ट करते हैं लेथ मशीन का टॉपिक। मिलिंग और सेपर से थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसे हम दो पार्ट में बनाएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम रीड करते हैं, फिर उसको हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। ए मशीन टूल इज डिफाइन एज वन विच वाइल होल्डिंग द कटिंग टूल वुड बी एबल टू रिमूव मेटल फ्रॉम ए वर्क पीस इन ऑर्डर टू जनरेट द रिक्विजाइट जॉब ऑफ गिवन साइज कॉन्फ़िगरेशन एंड फिनिशिंग। तो क्या बोल रहा है, कोई भी मशीन टूल, जैसे मान लीजिए ये एक मशीन टूल है, तो मशीन टूल को पहले हम लोग क्या करते हैं, क्लेम करते हैं मतलब पकड़ते हैं, और उसके बाद वर्कपीस हम मेटल को रिमूव करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन से। ये मेनली हो गया मशीन टूल। नाउ अब हम बात करेंगे लेथ, LATHE लेथ, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए पांच स्टार लगा रहे हैं, इसे लेथ को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम आपको लेथ के बारे में कुछ बेसिक आइडिया देंगे, ठीक है। जैसे यहां लिखा हुआ है, लेथ कैन बी जनरली स्पेसिफाइड बाय स्विंग द लार्जेस्ट वर्क डायमीटर दैट कैन बी स्विंग ओवर द लेथ बेड, दूसरा डिस्टेंस बिटवीन टेल स्ट्रोक एंड हेड स्ट्रोक। चलिए इसका मतलब बताने से पहले एक चीज आपको बता देते हैं, जैसे मान लीजिए आप लेथ खरीदने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप लेथ को खरीदने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप डिमांड क्या रखिएगा, किस टाइप का लेथ चाहिए, ठीक है। तो जनरली हमें लेथ आपका एक रफ डायग्राम बनाते हैं, मान लीजिए इस टाइप का है, ये आपका हो, यहां होता है हेड स्ट्रोक, ये होता है टेल स्ट्रोक, ये है लेथ बेड, ठीक है। तो सबसे पहले हमको मेरा ये जो डिस्टेंस होता है हेड स्ट्रोक और टेल स्ट्रोक से, सबसे पहले ये हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, कि हमें कितना लंबा बेड चाहिए। फिर इसको ये जो हेड स्ट्रोक जहां ऑपरेशन होता है उससे ये डिस्टेंस, ये वर्टिकल डिस्टेंस ये कितना हो, क्योंकि ये डिफाइन करेगा कितना डायमीटर का वर्कपीस ले सकते हैं। और भी सारा बहुत होता है, हेड स्ट्रोक भी होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट, देखिए मेनली ये दो होता है कि आप इसका लंबाई और इसका लंबाई देख के ही लेथ को खरीदते हैं, ठीक है। दोनों पॉइंट वही लिखा हुआ है। चलिए अब बेसिक एलिमेंट मशीन टूल्स का बात करते हैं, जो बहुत जानना बहुत जरूरी है, कुछ कुछ बेसिक एलिमेंट है मशीन टूल्स का। पहला क्या है, वर्क होल्डिंग डिवाइस। तो अब सबसे पहले आप इमेजिन कर लीजिए लेथ, इंजीनियरिंग अगर पढ़ रहे होंगे तो लेथ तो आपको याद ही होगा, कुछ रफ डायग्राम हम बनाए, आगे पूरा डायग्राम बना के समझाएंगे, ठीक है। तो वर्क होल्डिंग डिवाइस, तो जिसमें वर्क करती है वो कौन होल्ड करता है, तो वो होल्ड करता है चक, जो इस पार्ट में होल्ड किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं चक। देखिए ये सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है, ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है जो आगे बताएंगे। टूल होल्डिंग डिवाइस कौन होता है, ये पूछा गया सवाल है। टूल होल्डिंग डिवाइस जो टूल को होल्ड करता है, टूल पोस्ट, ठीक है, टूल पोस्ट या कंपाउंड रेस्ट, कहीं कहीं कंपाउंड रेस्ट भी ऑप्शन होता है, ठीक है, कंपाउंड रेस्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें कंपाउंड रेस्ट ऑप्शन में था, ठीक है। वर्क मोशन मैकेनिज्म और टूल मोशन मैकेनिज्म, ये भी पूछा गया सवाल है।
देखिए मेनली आप सिर्फ समझने की नहीं, आप कंपटीशन को क्रैक करने के लिए पढ़िए। तो वर्क मोशन मैकेनिज्म और टूल मोशन मैकेनिज्म किसमें होता है? तो वर्क किसमें होता है? हेड स्ट्रोक में, और टूल मोशन कैरेज में। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका हेड स्ट्रोक है, तो मोशन मेरा इसी में हो रहा है ना, तो वो मोशन वर्क मोशन किसमें होता है? तो होता है हेड स्ट्रोक में, और टूल मोशन इस जगह पे टूल होता है, और यहाँ पे ये जो पूरा पार्ट है इसको हम कैरेज बोलते हैं, जो आगे आपको डिफाइन करेंगे। तो टूल का मोशन होता है कैरेज में, सपोर्ट स्ट्रक्चर बेड, ये जो पार्ट है वो क्या होता है? बेड, जो थोड़ा सा याद कर सकते हैं, रिजिडिटी होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। जनरली आप देखिएगा जो बेड होता है ना, जो नीचे वाला पार्ट होता है वो हमेशा कास्ट आयरन के बना होता है। क्यों बना होता है कास्ट आयरन का? क्योंकि जो कास्ट आयरन होता है ना, वाइब्रेशन, जो जब भी हम ऑपरेशन करते हैं उसके कारण वाइब्रेशन होता है, तो वाइब्रेशन अब्सॉर्ब अच्छा करता है। ठीक है, एक भी है कास्ट आयरन का, तो क्या चीज से बना होता है? तो याद रखिएगा कास्टिंग प्रोसेस जो मेनली बनता है, कास्टिंग प्रोसेस से। इतना में ही आपका काफी ज्यादा क्वेश्चन है, इस सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सारा बात को आप ध्यान रखिएगा। जिससे आप समझ नहीं रहे होंगे, पहले हम सोच रहे थे कि ये जो डायग्राम है लेथ का, वो आपको लास्ट में एक अलग लेक्चर बना के देंगे। ठीक है, लेकिन अभी बताने के लिए एक बार आप मेनली सिर्फ देख लीजिए, तो आपको पता होगा कहाँ हेड स्ट्रोक होता है, कहाँ टेल स्ट्रोक होता है, कहाँ एप्लन होता है। तीसरे हम थोड़ा फास्ट बताएंगे। ठीक है, ये पार्ट आपका हेड स्ट्रोक है, ठीक है, स्पिंडल, हेड स्ट्रोक, टेल स्ट्रोक, ये होता है टूल पोस्ट, ठीक है, ये होता है कंपाउंड रेस्ट, ये होता है क्रॉस स्लाइड, ठीक है, ये आपका क्या है? लीड स्क्रू, ये पार्ट आपका क्या है? ये फीड रोड, जो फीड देने में होता है, ये क्या है? ये पूरा पार्ट है एपरन, ठीक है, ये है आपका बेड। ठीक है, मेनली बस अभी आपको बस इतना ही याद रखना है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या होता है। कि हम आगे आपको जो भी बताएंगे इसी से रिलेटेड होगा, अपने दिमाग में इमेज रख लीजिए, बाकी सारा प्रोसेस क्या क्या है हम आपको अच्छे से एक अलग लेक्चर देंगे। नाउ सम कॉमन पार्ट्स इन मशीन टूल्स एंड देयर फीचर्स। अब हम आपको लेथ मशीन का जितना भी पार्ट है, जो भी आपको बताया, हेड स्ट्रोक, टेल स्ट्रोक, बेड, एपरन, टूल पोस्ट, सैडल, वो सारा को हम एक एक करके डिफाइन करेंगे, और जो जो इंपॉर्टेंट होगा आपको वहां टिक कर देंगे, उसे याद रखिएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बेड का। ठीक है, लेथ का जो बेड होता है, जिसपे ऑपरेशन होता है, उसका हम बात करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है इट एक्ट एज ए रिजिड सपोर्ट, मतलब जो बेड होता है, जो नीचे का ये जो बेड है, या हेड स्ट्रोक या टेल स्ट्रोक, ठीक है, या कह रहे ये जो है बेड, वो क्या होता है? रिजिड होता है, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। इट इज यूज टू एब्जॉर्ब वाइब्रेशन, आपको इससे पहले हम बताए थे कि वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करता है, क्यों? क्योंकि ये कास्ट आयरन का बना होता है। आगे लिखा हुआ सारा पॉइंट, जनरली कास्ट आयरन इज यूज, जनरली कास्टिंग विल बी यूज टू मैन्युफैक्चर द बेड, और शेप कैसा होता है? एक्स, आई और एच टाइप का होता है। जैसे ये बेड को आप दूसरे एंगल से देखिएगा ना, तो एक्स टाइप का भी शेप होता है, आई टाइप का भी शेप होता है, एक्स, जिसको मेनली गाइडवेज बोलते हैं। गाइडवेज मतलब जिसमें मूव होता है, गाइडवेज क्या मूव होता है आप जानते हैं, आप देखे होंगे ऑपरेशन में, ये टेल स्ट्रोक को भी हम मूव करवा सकते हैं, कैरेज को भी मूव करवा सकते हैं। तो ये मूव कराने के लिए कुछ गाइडवेज तो होगा ना, तो इस टाइप का गाइडवेज बना होता है इसके नीचे। ठीक है, ये सारा पॉइंट आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लीड स्क्रू का। तो लीड स्क्रू क्या है? लीड स्क्रू इज यूज्ड फॉर फीडिंग द कटिंग टूल, इट इज एन डायरेक्शनल पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड दिस विल कन्वर्ट रोटेशनल मोमेंट इनटू ट्रांसलेशन मोमेंट। मेनली आपको बस लीड स्क्रू का इतना याद रखिए, ये आपका डायग्राम है, यहाँ पर आपका कुछ लीड स्क्रू था, यहाँ पर कुछ आपका लीड स्क्रू था। ठीक है, तो लीड स्क्रू का मेनली काम क्या होता है? ये तो क्या होता है, ये रोटेट होता है लीड स्क्रू, और इसको मोशन देता है।
इसका मतलब ये क्या कन्वर्ट करता है, रोटेशन मोमेंट को ट्रांसलेशन मोमेंट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, याद रखिएगा लीड स्क्रू का मेनली क्या काम होता है कि रोटेशन मोमेंट को ट्रांसलेशन मोमेंट में कन्वर्ट करना, ये खुद रोटेट होता है और इस पार्ट को ट्रांसलेट करवाता है। ठीक है, तो मेनली ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपसे एग्जाम में पूछेगा किस मटेरियल का बना होता है, ये इंपॉर्टेंट है, किस मटेरियल का बना होता है। तो आप ही बताइए कि एक टूल से जहां दूसरे चीज जहां रब होता है ना, तो हाई वेयर रेजिस्टेंस हमेशा मिलता है, हाई वेयर रेजिस्टेंस मैन्युफैक्चर्ड बाय थ्रेड मशीन प्रोसेस, इसमें थ्रेडिंग होल रहता है, इसलिए हम इसको थ्रेड मशीनिंग प्रोसेस से बनाते हैं। किसे? थ्रेड मशीनिंग प्रोसेस से बनाते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ थ्रेड। चलिए, टाइप्स ऑफ थ्रेड ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ थ्रेड, क्यों? कहीं भी हर जगह टाइप्स ऑफ थ्रेड पे ही सवाल पूछा जाता है, हर जगह। मेनली कुछ कुछ थ्रेड के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं विथ डायग्राम विथ एग्जांपल। जैसे पहला क्या है, स्क्वायर थ्रेड, एक्मी थ्रेड, ब्यूटरस थ्रेड, मैट्रिक थ्रेड, एक यहां लिख दिए, वहां अट नहीं रहा था। ठीक है, तो जेने अभी फिलहाल चार टाइप के, लेकिन दो चार टाइप और भी होते हैं, लेकिन मेनली इसी टाइप के होते हैं। हर थ्रेड के अलग अलग रोल होते हैं। ठीक है, स्क्वायर थ्रेड में क्या होता है, स्क्वायर शेप के होते हैं। एक्मी थ्रेड में एक एंगल, कुछ यहाँ एंगल होता है हॉरिजॉन्टल से। जब थ्रेड का हम सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो हर कुछ बताएंगे कितना एंगल होता है, क्या होता है, आप मेनली इतना समझ लीजिए। ब्यूटरस में इस टाइप का होता है और मैट्रिक्स में कुछ इस टाइप से होता है। मैट्रिक्स जनरल पर्पज के लिए यूज किया जाता है, स्क्वायर थ्रेड ठीक है क्या है, आइडियल थ्रेड फॉर पावर ट्रांसमिशन, आइडियल थ्रेड मतलब जहां भी हो तो स्क्वायर थ्रेड यूज कर लेते हैं। एक्मी थ्रेड स्ट्रॉन्गर देन स्क्वायर थ्रेड, मतलब हमको ऐसा जहां थोड़ा स्ट्रॉन्गर रखना हो थ्रेड तो वहां यूज करेंगे एक्मी थ्रेड। ब्यूटरस थ्रेड डिजाइन टू हैंडल हैवी फोर्स इन वन डायरेक्शन, एग्जाम्पल ट्रक और जैक, मतलब जहां पर हमको कुछ हैवी लोड को अगर उठाना हो तो उस जगह पे हम ब्यूटरस थ्रेड का यूज करते हैं, याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ एक शेप का थोड़ा अच्छा से लिख दिया है कि स्क्वायर्स आर मोर प्रेफरेबल ड्यू टू हाई एफिशिएंसी इन द पावर ट्रांसमिशन। एक्मी और ब्यूटरस भी करते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हम जनरली स्क्वायर थ्रेड का यूज करते हैं। ब्यूटरस थ्रेड जहाँ हाई पावर का यूज हो वहां करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं गाइडवेज। गाइडवेज क्या होता है, जैसे अभी आपको हम बताएं कि ये आपका बेड है, हेड स्ट्रोक तो फिक्स होता है लेकिन टेल स्ट्रोक मूवेबल होता है, तो यहां से हम मूव करेगा तो किस पे करता है, तो वहां कुछ एक्स आई एच टाइप का यहाँ एक स्लॉट बना होता है। ठीक है, इस टाइप का स्लॉट बना होता है, उसी पे ये मूव करता है। तो गाइडवे क्या करता है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता होगा। आप जब भी लेथ मशीन को ऑपरेशन कीजिएगा तो इस चीज को जरूर देखिएगा कि आपका जो लेथ मशीन है वो किस गाइडवेज पे वर्क कर रहा है। तो जनरली किस पे बना होता है, हाई कार्बन स्टील का होता है, टूटे ना। मैन्युफैक्चरिंग किस द्वारा होता है, फ्लेम हार्डनिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लेम हार्डनिंग के द्वारा मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है, शेप देख लीजिए, कुछ इस टाइप का शेप होता है, रेक्टेंगल भी होता है, बी शेप भी होता है, डोबी टेल भी होता है। ठीक है, देखिए ये आपका डोबी टेल हो गया, ये भी शेप हो गया, रेक्टेंगल शेप भी होता है, इसी टाइप का होगा। जैसे मान लीजिए एक इधर हो गया, सेम डिजाइन का यहाँ होगा और उसी पर वो मूव करेगा। जैसे एक डिजाइन नीचे बना हुआ है जो फिक्स होता है, ये मान लीजिए फिक्स है, ये क्या है, मूवेबल, तो इसी पे ये मूव करता है। एग्जाम्पल आप ट्रेन समझ लीजिए, ट्रेन, ट्रेन क्या है, ट्रेन का पटरी कुछ इस टाइप से होता है, ट्रेन इसी पे मूव करता है, सर्कुलर चक्का के साथ इस टाइप से कुछ होता है, समझ रहे हैं ना। नाउ अब बात करते हैं प्राइम मूवर का। प्राइम मूवर मतलब क्या है, आपका लेथ मशीन ऑपरेट हो रहा है तो उस ऑपरेट को चलाने के लिए आपको एक इंजन की जरूरत पड़ता है। वो इंजन कहाँ होता है, हेड स्ट्रोक में होता है। एग्जांपल ये बेड है, ये हेड स्ट्रोक है, तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर जैसे मान लीजिए यहाँ तो हेड स्ट्रोक है, पूरा हेड स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर चक लगा होता है, इसके अंदर ठीक है
एक अरेंजमेंट होता है जिसके कारण रोटेशन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो जनरली आप देखे होंगे किसी वो इंजन या मोटर या जनरेटर, आप इतना सारा कुछ देखे होंगे, वो दो टाइप से होता है। एक होता है एक आईसी इंजन, एक होता है इलेक्ट्रिकल मोटर से आप चला सकते हैं। आईसी इंजन क्या होगा, आईसी इंजन को हम बोलते हैं इंटरनल कंबसन इंजन, इंटरनल कंबसन, इंटरनल कंबसन इंजन, जो जनरली मोटरसाइकिल, डीजल साइकिल, पेट्रोल में ये सब यूज होता है। ठीक है, तो आईसी इंजन जनरली प्रिफेयर नहीं करते, हम प्रिफेयर किसको करते हैं, इलेक्ट्रिकल मोटर्स को करते हैं। आप खुद देखे होंगे लेथ मशीन को हम किससे ऑपरेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल मोटर से करते हैं। ठीक है, कुछ कुछ पैरामीटर है उसका आप याद रखिएगा, जैसे V इक्वल टू पाई डी एन अपॉन 60 होता है, ये तो आप जानते होंगे नॉर्मल है। ये याद रखिएगा कि एमएम में निकाल रहे हैं कि हम मीटर पर मिनट भी निकाले, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा गलत होता है। 1 mm इक्वल टू 10^-3 मीटर होता है, ये बात भी आप याद रखिएगा। ठीक है, ये जनरली ये तो पता होगा आपको, एंग्लो एंग्लो स्पीड पाई डी एन अपॉन 60 होता है, V इक्वल टू 2 πr/n/60, ये हो गया mm पर सेकेंड में होता है, इसमें होता है। ठीक है, वही 2 πr को हम पाई डी एन में लिख दिए। यहां से आप एन निकाल सकते हैं, एन को यहां से कन्वर्ट करके, मैंने इस क्वेश्चन में क्या पूछता है, एन मैक्सिमम और एन मिनिमम। देखिए, जैसे मान लीजिए एन इक्वल टू 1000/V/πd है, ये 1000 कहां से आया, क्योंकि हम mm को मीटर में कन्वर्ट किए हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपको ये मैक्सिमम करना है, तो ऑब्वियसली बात है इसे मैक्सिमम करना होगा और डायमीटर को कम करना होगा। अगर इसे मिनिमम करना हो तो इसे मिनिमम करना होगा और इसे मैक्सिमम करना होगा, इतना तो आप समझ रहे होंगे। देखिए उसी टाइप का, एन मैक्सिमम तो वी को मैक्सिमम कर दिए, इसे मिनिमम कर दिए, मिनिमम केस में वी को मिनिमम कर दिए, इसे मैक्सिमम कर दिए, क्यों किए समझ रहे होंगे। अब यहां से एक फॉर्मूला होता है, इसको आप याद रखिएगा, एन मैक्स इक्वल टू एन मिन आर का पावर एन माइनस वन, इंपॉर्टेंट है इसे याद ही रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट सवाल इसी से पूछता है, कहां से निकला ये सोच रहे होंगे। देखिए मान लीजिए एन मैक्सिमम स्पीड मैक्सिमम है, कोई मिनिमम स्पीड होगा और उसके बीच का मैक्स और मिन का जो डिफरेंस होता है वो ये होता है, तब इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे होंगे एक नॉर्मल एक क्वेश्चन है, अधूरा क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, एक स्पिंडल स्पीड दिया हुआ है, स्पीड कहां से 120 से 1200 रोटेशन पर मिनट है, याद रखिएगा जी, में मिनट में है, रोटेशन पर मिनट में है, तो हमें निकालना है फिफ्थ स्पिंडल स्पीड, जो फिफ्थ स्पिंडल स्पीड है वो निकालना है। ठीक है, तो देखिए एन मैक्स इक्वल टू एन मीन टू द पावर आर टू द पावर एन माइनस वन, ये हमें पता है, सभी आपको हम बताए। ठीक है, तो एन मैक्स हमको पता है 1200, न्यू पता है 120 डिवाइड कर दिए 8^n-1, एन तो कितना दिया हुआ, एन दिया हुआ 8। ठीक है, तो सॉल्व कीजिएगा तो आर का कुछ इस वैल्यू आएगा। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा तो आर का कुछ ये वैल्यू आता है। ठीक है, जैसे मान 10^8 7 है, तो हम लॉग ले लिए, दोनों साइड लॉग 10 लिए, तो ये आगे आ जाएगा, 7 लॉग आर आ गया, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। ठीक है, आप जब आर आ गया तो आप फिफ्थ स्पिंडल स्पीड इसी पुट करके निकाल सकते हैं कि फिफ्थ स्पिंडल स्पीड क्या होगा, हम एन मैक्स फिर से निकालना, अब निकालना एन मैक्स, एन मीन हमको पता है ये तो फिक्स रहेगा, आर आर का वैल्यू यहां से हमें मिल जाएगा, यहाँ फिफ्थ स्टे निकालना है तो 5-1। ठीक है, तो ये निकल जाएगा, एन मीन क्या हो जाएगा 120, आर का वैल्यू ये है कुछ, ये तो कुछ ठीक है, आर ही लिख लेते हैं, सो आप सॉल्व कर लीजिएगा 5-1 4, समझ गए। नाउ लेथ में कुछ कुछ कॉमन पैरामीटर्स हैं, जब ये मशीनिंग करते हैं इंपॉर्टेंट है तो जानना चाहिए। स्पीड जिस भी से डिनोट करते हैं, बी इक्वल क्या होता है पाई डी एन अपॉन 1000, आप हमेशा स्पीड पर रहेंगे, इस फॉर्म में बी इक्वल टू 2 πr/n/60, ये mm पर सेकेंड में होता है, इसे जब कन्वर्ट कीजिएगा तो ये स्टेप आ जाएगा। ठीक है, फीड क्या होता है, कहीं भी जाइएगा तो ये जरूर सवाल पूछता है, भाई इंजीनियरिंग किए हैं मैकेनिकल से हो तो फीड तो जानना ही होगा।
फीट क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका पेन है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये, तो एक यहां एक कंप्लीट रोटेशन में, वन कंप्लीट रोटेशन में कितना पार्ट आगे गया, ठीक है, को एक कंप्लीट, जैसे मान लीजिए यहां से स्टार्ट किया एक कंप्लीट रोटेशन, यहां से यहां तक आया, तब ये डिस्टेंस कितना मूव किया, उसे हम बोलते हैं फील्ड, कि लीनियर डिस्टेंस हो गया, ये हो गया लीनियर डिस्टेंस, तो एक कंप्लीट रोटेशन में लीनियर डिस्टेंस कितना हुआ, उसे हम बोलते हैं फील्ड। ये हमसे पूछ लेता कि फील्ड वेलोसिटी, तो एक कंप्लीट रोटेशन में लीनियर वेलोसिटी जितना मूव किया उसे तो बोलते हैं फील्ड, और टूल कितना मूव किया उसे हम बोलते हैं फील्ड वेलोसिटी, ठीक है। तो जैसा कि आपको हम बताएं कि फील्ड वेलोसिटी क्या होता है, फील्ड इनटू एन द वेलोसिटी विच विच द टूल इज ट्रेवलिंग अलोंग द वर्कपीस, मतलब वर्कपीस के अलोंग जो टूल मूव करता है, डेप्थ ऑफ कट क्या हो गया। जब ये मान लीजिए कि अगर जैसे मान लीजिए कुदाल, कुदाल जानते होंगे,